सेलेब्स की हर सुबह होती है एक नए प्रोजेक्ट से शुरू, जिसमें वो जुट जाते हैं जी जान से ताकि कोई कसर ना रहे, और अगर रहती भी है तो बस यही उम्मीद की जाती है कि उनका किया हुआ हार्ड वर्क और अचीवमेंट्स को सराहना मिले। और आप तो जानते ही हैं कि हमारे बॉलीवुड स्टार्स किसी भी फील्ड में पीछे नहीं होते, तो ऐसी ही कुछ अचीवमेंट्स को सम्मानित करने के लिए फॉर्मर मिस इंडिया 1977 और रमैया वस्तावैया तेरी मेहरबानियां जैसी और भी फिल्मों से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाली पूनम ढिल्लो ने ऑर्गेनाइज किया ये अवार्ड फंक्शन, इंटरनेशनल इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2014। एक ऐसा अवार्ड फंक्शन है जहां उन सभी इंडियन को अवार्ड देकर ऑनर किया जाएगा जिन्होंने इंडिया से बाहर रहकर भी देश का नाम ऊंचा किया है। हाल ही में हुए इस अवार्ड फंक्शन में पहुंचे कई जाने माने चेहरे। वेल, अवार्ड फंक्शन की बात आई, सबसे पहले दिमाग में आता है उसका नाम जो कराता है इवेंट के हर पहलू को ऑडियंस से रूबरू, यानी होस्ट। और विकी डोनर से बने सबके फेवरेट आयुष्मान खुराना ने किया ये शो होस्ट भी। क्यों ना आप भी खुद जान लें इस होस्ट से ही शो के बारे में। आज मैं वॉच होस्ट कर रहा हूँ इंटरनेशनल इंडियन अचीवर्स अवार्ड्स, एंड ये पहली बार ये अवार्ड रखा गया है, और जितने भी NRIs हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में इंडिया का नाम बढ़ाया है उनको फेलिसिटेट यहाँ पे किया जाएगा। आइए फिर जान लेते हैं आयुष्मान से कि उनके अकॉर्डिंग एक अचीवर की डेफिनेशन क्या होती है। एनीबॉडी कैन बी एन अचीवर, whether in academics or sports or literature. यहाँ पे हमारी कैटेगरीज भी अलग अलग हैं, लिटरेचर है, स्पोर्ट्स है और एंटरटेनमेंट है। हर एक कैटेगरी में जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियन है जिन्होंने कुछ अचीव किया है लाइफ में, they'll be felicitated on the show. जहाँ मॉनसून चल रहा है तो आप नहीं जानना चाहेंगे कि आयुष्मान को कौन सा गाना पसंद है, और ये देखिए आयुष्मान किस तरह किसी और फिल्म के गाना गाने पर कुछ इस तरह बोल रहे हैं। पानी दरंग बिल्कुल याद आता है बारिश के मौसम पर, वो इतनी बार मैं गा चुका हूँ, फिर दोबारा नहीं गाऊंगा। एक बार यार अपनी फिल्म का गाऊंगा। इसी के साथ आयुष्मान ने मुस्कुराते हुए दी सबको ईद की मुबारकबाद भी। वेरी हैप्पी ईद एवरीबडी, और जो फास्टिंग आजकल कर रहे हैं वो धूम जो पूरा धूम धड़ाके से खाएं 7 बजे शहरी के और इफ्तारी के बाद। आज इस शो के बाद 12 बजे खत्म होगा फिर मैं पक्का फीस्टिंग पे जाऊंगा, बहुत मजा आएगा। इस मौके पर पहुंची प्लेबैक सिंगर सुनिधि चौहान लग रही थी काफी ट्रेंडी अपने नए हेयर डू के साथ। देखिए सुनिधि ने कैसे आते ही कह दिया आज गाना गाने का मन नहीं, अरे सुनिधि हम तो बस आपसे बात ही करेंगे, आप घबराइए नहीं। नहीं आज मन नहीं है गाने का मेरा, आज नहीं, फिर कभी जरूर। जी नहीं मैं गाने तो नहीं, बट आई एम हियर टू वॉच द शो, एंड बहुत बहुत मुबारकबाद सभी लोगों को जिन्होंने ये IIAA शुरुआत की है, और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, वेरी हैप्पी टू बी इनवाइटेड। चलिए अब इस अवार्ड फंक्शन में आई हैं तो ये बता दीजिए कि आपकी नजरों में रियल अचीवर्स कौन हैं? आई थिंक कुछ भी अचीव करना अच्छा ही लगता है, डेफिनेशन उसकी आई डोंट नो, मुझे ये लगता है कि कितना भी आदमी अचीव कर ले हमेशा कम होता है, और अचीव करना एक ऐसा गोल है जिसकी वजह से हम वो कोशिश में लगे रहते हैं कि बहुत बेहतर काम करें, अच्छा करें, और वो एक दिन अगर रिकॉग्नाइज होता है तो आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। जहां इस मौके पर हार्डकोर लग रही थी सुपर हॉट, तो वहीं पूनम ढिल्लो भी कुछ कम खूबसूरत नहीं लग रही थी, और उन्हीं के साथ दिखे वीरू पाजी यानी धर्मेंद्र भी अपने पंजाबी एटीट्यूड के साथ, और इन्होंने वहीं बात शेयर की अपनी अपकमिंग पंजाबी फिल्म डबल दी ट्रबल के बारे में भी। बहुत सालों के बाद हम साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक धर्म जी भी बहुत फंसी हैं कैसी फिल्में करें, तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पिक्चर हम साथ में कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट पैकेज है जिसका नाम है डबल द ट्रबल। डबल द ट्रबल, यू कैन इमेजिन व्हेन वी बोथ आर देयर तो कितनी ट्रबल होगी। और डबल धर्म जी है उसमें, और डबल गिप्पी गरेवाल है, और पहली बार हम दोनों पंजाबी पिक्चर कर रहे हैं हमारे करियर में। हम दोनों ने आई थिंक मैंने अगर 100 पिक्चरें किया धर्म जी आपने तो पता नहीं कितनी की होंगी, नंबर गिन भूल गए हैं। पहली बार पंजाबी फिल्म हम दोनों कर रहे हैं, एंड इट्स लुकिंग अमेजिंग,
सो सबसे हम ये कहना चाहेंगे एंजॉय द फिल्म, है ना? एंजॉय द फिल्म एंड प्रे फास्ट। इसी पंजाबी अंदाज में आप भी ले लीजिए धर्मेंद्र से ईद की विशेष। बहुत बहुत मुबारक, आज मेरे घर पर ईद पहुंच गई है, मैं खा के आ रहा हूँ। मेरे चाहने वाले सारे मुसलमान भाइयों को गले से लिपटा के जोर से भेज कर ईद की बहुत बहुत मुबारक, लव यू। लेकिन उन्हें किन किन चीजों से किक लगती है, आइए जान लेते हैं उन्हीं से। बोला जी बारिश बहुत हो रही है, एक मैंने पूछा बारिश कैसी हो रही है, अरे क्या कुत्ते जैसा बारिश हो रही है। अब कुत्ते का बारिश से क्या संबंध है? कह रहे बारिश नहीं रहे ये साल, बारिश नहीं रहे, कल से बारिश नहीं रहे, बारिश बहुत हो गई, कहे बारिश रे, कहे बारिश रे। तो हम लोग का टाइम पास बना हुआ है। मेरी किक लगती है मौसम से, रोमांस से जी। अजी ईद और सबसे ज़्यादा मुझे किक लगती है जो मेरे सामने ऑडियंस होती है और उस समय जो मैं परफॉर्म करता हूँ उनकी जो लाफ्टर मुझे मिलते हैं वही मेरे लिए सबसे बड़े किक होते हैं। तो कुछ ऐसा नज़ारा रहा IIAA 2014 के इस इवेंट का, जहाँ पहुंचे सेलेब्स दिखे काफी खुश इस अवार्ड फंक्शन को अटेंड करते हुए, बारिश का मजा लेते हुए और दिखाई दी ईद की सबको मुबारकबाद देते हुए भी। वेल, हम तो ऐसे अवार्ड फंक्शन की सिर्फ एक साल नहीं बल्कि सालों साल चलते रहने और हर इंडियन की अचीवमेंट्स को सराहा कर उन्हें और आगे बढ़ाने की ही प्रेरणा देंगे। एनजीडी में देश से प्रभजोत कौर पवार के लिए हलीन कौर, 10 न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।